हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे पीपल टोकन के बारे में। मार्केट में कल से बहुत बढ़िया रैली दे रहा है। ऐसा ही नहीं है कि इसने पहली बार इतनी बड़ी रैली दी है। पिछले एक दो मंथ से हम देख रहे हैं कि इसने बार बार बढ़िया रैली दी है, हमें हमेशा टॉप गेनर में दिखाई दे रहा है। और इसके अंदर जो डंप आते हैं ना, जो करेक्शन लेता है, करेक्शन लेने के बाद में फिर से आपको बड़ी रैली देखने को मिल जाती है कुछ ही दिनों में। तो क्या इसका बाइंग जोन है, क्या इसका रेजिस्टेंस बन रहा है, क्या इसके यूज केस है मार्केट के अंदर, कहां तक ये जा सकता है, क्या इसका शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट है और क्या इसका लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। साथ में ट्रेडिंग व्यू के ऊपर इसके चार्ट को एनालाइज भी करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि काफी ट्रेंडिंग कॉइन है मार्केट के अंदर। जी आपको इसके बारे में सारी की सारी अपडेट जो है वो होनी चाहिए अगर आप क्रिप्टो में डील कर रही हो तो। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। हमारे चैनल के अंदर आपको मिलती है क्रिप्टो करेंसी जुड़ी सारी की सारी अपडेट। साथ में अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां पर आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल और हमारी ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक, जहां पर हम आपको डेली बेसिस के ऊपर बिना किसी चार्ज के फ्यूचर के सिग्नल्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिनको यूज करके बहुत सारे दोस्त बढ़िया अर्निंग कर रहे हैं। तो आप भी उन सिग्नल्स को यूज करके बढ़िया अर्निंग कर सकते हो डेली बेसिस के ऊपर, जिसके हम कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेते। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले चलते हैं बाइनांस के ऊपर, जहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि पीपल टॉप के ऊपर चल रहा है। तो दोस्तों आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, जहां पर पीपल टॉप गेनर की अगर बात करें तो सेकंड पोजीशन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटों में 22% जे अप आ चुका है। अब यहां पर अगर इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद पहले इसकी इंफॉर्मेशन के ऊपर जाते हैं, तो आप देखो जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन डाओ इसका नाम है और जहां पर रैंक वाइज देखें तो 126 नंबर के ऊपर है। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो $631 मिलियन की है और टोटल सप्लाई की बात करें तो 5 बिलियन की है और पूरी की पूरी ही मार्केट में सर्कुलेट हो चुकी है। इसका मतलब क्या है कि बाद में आपको इसके अंदर कोई ज्यादा बड़ी करेक्शन देखने को नहीं मिलेगी। अब ऑल टाइम हाई की बात करें तो इसने 2021 के अंदर ऑल टाइम हाई लगाया था 18 सेंट का, लगभग 18.5 सेंट का। आज ये आपको 12 सेंट, 12.5 सेंट के आसपास मिल रहा है, वो भी अभी पिछले 24 घंटों में ऊपर आया है इसलिए, नहीं तो ये 10 सेंट के आसपास घूम रहा था। अब जहां पर आपको अगर इसके फंडामेंटल और यूज केस जानने तो नीचे है ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक, वहां पर क्लिक करके आप इसके फंडामेंटल्स जितने भी टेक्निकल्स ये क्या मार्केट के अंदर आने वाले टाइम में करेगा वो सारा कुछ जान सकते हो। अब देखते हैं इसके प्राइस को। प्राइस आप देखिए तो लगभग पिछले 30 दिन की बात करें तो 400% के आसपास, 450% जहां पर ये ग्रोथ दे चुका है, 378%, पिछले एक हफ्ते में 55%, और आज की बात करें तो 13% अप है, पिछले एक दिन की बात करें तो 22% जो अप दिखाई दे रहा है। अगर आप 6 मंथ का जहां पर चार्ट देखोगे तो 6 मंथ के अंदर भी आपको 775%, दोस्तों बहुत बड़ी ग्रोथ मानी जाती है, 775% की ग्रोथ दे चुका है। और टॉप 126 रैंक का जो कॉइन है, ये कोई ऐसे मीम कॉइन नहीं है जिसको हम बोले कि जो बहुत ज़्यादा 2000, 4000, 500 रैंक के ऊपर चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पर आप देखिए 126 रैंक वाला कॉइन 774% की ग्रोथ दे गया पिछले 6 मंथ में। और अगर आपने इसको मिस कर दिया है तो आपको कहाँ पर बाइंग करना है, कहाँ पर आप इसको बाय करके शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट ले सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट देख सकते हो, उसके लिए चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के अंदर। तो दोस्तों आप देख सकते हो ट्रेडिंग व्यू के अंदर मैं हमेशा यही ट्राई करता हूं कि अगर कोई बिगिनर भी मेरी वीडियो को देख रहा है तो उसको आसानी से पता चल जाए कि चार्ट के अंदर बाइंग जोन क्या है, टारगेट जोन क्या है, कहां पर आपने एंट्री लेनी है या नहीं लेनी, होल्ड करना है। तो ये सारी चीजें आपको डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आप देखो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने इसको ओपन किया हुआ है, जहां पर अभी ये 0.124 के आसपास चल रहा है। अब इसको थोड़ा सा जूम करता हूं मैं, ये देखिए दोस्तों पिछले काफी टाइम से ये 0.8, 0.08 और 0.10 के आसपास चल रहा था जहां पर। ओके मैं थोड़ा सा आपको जहां पर टिक करके भी बताता हूं ताकि आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाए, ताकि आप इन चीजों को समझ पाओ। दोस्तों जहां पर देखिए, अगर हम देखें तो यहां से इसने रैली दी थी जे वाली, ओके जे वाली रैली थी इसके अंदर। अब उसके बाद ये लगभग जहां पर एक बार और जहां पर एक बार ऊपर गया, लेकिन 0.10 को ये टच नहीं कर पाया, वहां से 2 बार करेक्शन लेके जो नीचे आ गया। उसके बाद जहां से इसने रैली ली और आप देख सकते हो जहां से जो ऊपर गया,
और जहां तक ही नहीं, ये देखो अगर आप देखोगे इसकी विक को, तो जहां तक इसकी विक गई 0.146, लगभग 15 सेंट के आसपास इसकी जो विक है वो इसने लगा दी है। अब उसके बाद देखें तो जहां पर जे अभी 0.10 और 0.12 सेंट के आसपास थोड़ा घूम रहा था, और वही इसकी जो रेसिस्टेंस बन के आ रही थी ना, जो टॉप की इसकी रेसिस्टेंस थी वो थी 12 सेंट के आसपास। अभी हाल ही में इसने उसको ब्रेक कर दिया है आज, ओके 12 सेंट वाली सिस्टम्स को ब्रेक करे, जहां से ये हाइप ले सकता है। अब कहां तक जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए देखें तो जो इसका पहला विक लगा था वो लगा था 0.14 सेंट के ऊपर, तो लगभग 0.14 के आसपास ये जा सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर। आप इसको इसी के अकॉर्डिंग बाय कर सकते हो। रेसिस्टेंस को अभी अभी ब्रेक किया है तो आपको अगर ये करेक्शन लेता हुआ दिखाई देगा तो ये मिनिमम जो इसकी सपोर्ट बन के आ रही है वो आ रही है 10 सेंट के आसपास। तो 10 सेंट वाली इसकी जो सपोर्ट है, जो ग्रीन लाइन है, ब्लैक जो इसने अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, रेड शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट है, और जो लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट है वो हमारा वही होगा जो इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था लास्ट टाइम 18 सेंट का। अगर आपने जहां पर इसको बाय करना है तो आपका शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 0.14 सेंट, अगर लॉन्ग टर्म टारगेट है तो वो रहेगा 0.18 सेंट। बाइंग जोन की बात करें तो आपका जो यहां पर मेजर सपोर्ट है वो 10 सेंट है। अगर आपको यहां से जो करेक्शन लेके नीचे आता है तो 10 11 सेंट के आसपास मिलता है तो आप इसके अंदर मेक श्योर एंट्री बना सकते हो। बढ़िया पोटेंशियल है, बढ़िया यूज केस है मार्केट के अंदर। पिछले 5-6 मंथ की बात करें तो इसने बहुत बढ़िया रन किया भी है। फिर मिलेंगे, थैंक यू।